सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक नोटिस के बारे में। ये नोटिस दोस्तों बड़ौदा गुजरात के किसी एक क्रिप्टो ट्रेडर को ये नोटिस आई है। नोटिस में दोस्तों क्या बताया गया है ये दोस्तों हम बात करेंगे। अगर दोस्तों इस तरह की नोटिस आती है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी दोस्तों बात करेंगे। साथ ही दोस्तों किस तरह से क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करना चाहिए ताकि दोस्तों आपको ये नोटिस ना आए ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखिए। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ दोस्तों आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बहुत सारे सिग्नल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्केट के जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है, कब दोस्तों मार्केट से आपको आउट और इन होना है ये दोस्तों टोटल चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ दोस्तों सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक नोटिस आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ से दोस्तों एक नोटिस आई है, ये नोटिस दोस्तों क्या बताई है इसमें हम बात करेंगे। ये नोटिस दोस्तों यहाँ पे बड़ौदा गुजरात की दोस्तों जो भी ट्रेडर है, जो क्रिप्टो ट्रेडर है वो गुजरात के हैं, वहाँ पे दोस्तों ये नोटिस मिली है। नोटिस में दोस्तों क्या बताया गया है ये दोस्तों पहले हम बात करेंगे। पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है। वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हैव मेड एनी ट्रांजेक्शन एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन ETC, इफ़ येस प्रोवाइड फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम एज अंडर। मतलब अगर आपने या आपकी फैमिली मेंबर ने किसी ने बिटकॉइन ट्रेडिंग की है तो दोस्तों उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड की जानी है। टोटल डिटेल्स तो वन बाय वन करके यहां पर बताई गई है, इस डिटेल्स को भी हम बताएंगे। ऑल वॉलेट IDs हेल्ड इन योर नेम और इन नेम ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर प्रोवाइड बैंक नंबर विथ बैंक नेम लिंक विद दिस वॉलेट ID, प्रोवाइड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और सच बैंक अकाउंट फ्रॉम विच यू हैव मेड ट्रांजेक्शन इन टू क्रिप्टो करेंसी। मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो ट्रांजेक्शन की टोटल डिटेल्स, साथ में दोस्तों जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट है उस वॉलेट की पूरी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे मांगी जा रही है। सोर्सेज ऑफ फंड यूज टू परचेस क्रिप्टो करेंसी, मतलब दोस्तों जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बाई की है उसके दोस्तों बाई करने के सोर्सेज क्या थे, जो फंड आपने यहाँ पर लगाया था वो फंड के सोर्सेज क्या है ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने यहाँ पर ट्रेडिंग की है तो उसकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर इच फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है इस साल के अंदर में जो भी दोस्तों हुआ है उसका दोस्तों पूरा डिटेल्स यहां पर आपको देना है। डिटेल्स ऑफ ऑल एक्सचेंज ऑन विच यू हैव मेड ट्रांजेक्शन इन क्रिप्टो करेंसी, साथ ही दोस्तों जो भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं जिस क्रिप्टो करेंसी के लिए वो डिटेल्स दोस्तों उसको यहाँ पे देनी होगी। मतलब अगर बाइनेंस या फिर कुकॉइन कुछ भी दोस्तों इंटरनेशनल नेशनल एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। ट्रेडिंग अकाउंट से लेजर अकाउंट ऑफ योर वॉलेट आईडी, मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट लेजर अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट लेजर ट्रेजर भी है तो उसकी भी दोस्तों डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी होगी, ये दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों और चीज़ देख लेते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स हेल्ड इन योर नेम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2012-13, मतलब 2012-13 से लेकर अब तक में जो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई उसकी दोस्तों टोटल डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। तो कुछ इस तरह का दोस्तों टोटल डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह का नोटिस को आप इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन 272(a)(1)(c) ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट 1961 पेनल्टी ऑफ ₹10,000, मतलब 10,000 का आपको पेनल्टी लग सकता है। साथ ही दोस्तों जो आगे का कानून का जो प्रोसेस होगा वो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर पनिशेबल होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जानेंगे कि इस तरह की नोटिस आपको कब मिलती है। तो इस तरह की नोटिस दोस्तों तब आपको तब मिलेगी, मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में अभी आपकी कोई ट्रांजेक्शन या फिर ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपकी नहीं हो रही है, अचानक से आपके महीने दो महीने के अंदर में यहाँ पर 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख का ट्रांजेक्शन होना शुरू हो चुका है। 1-2 महीने, 3 महीने के अंदर में आपके हर महीने 3 लाख, 4 लाख के ट्रांजेक्शन होना शुरू हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको नोटिस मिलना यहाँ पर लाजमी है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस श्योर आपको मिलेगी। अगर अचानक से आपका ट्रांजेक्शन बढ़ता है तो वो किसी भी कारण से बढ़ता हो तो ये नोटिस मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये नोटिस आपको मिलती है। अब यहाँ पे आपको तब डरने की कोई बात नहीं होती है जब आपके पास सारे ट्रांजेक्शन का यहाँ पे हिसाब होता है। आप इजीली दोस्तों वो हिसाब वो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसके टोटल डिटेल्स देके आप यहाँ से निकल सकते हैं। जो भी आपके इनकम का टैक्स होता है वो आपको थोड़ा देने पड़ते हैं, बस इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब चूँकि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लेकर यहाँ पर बोली जा रही है, तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का अगर आपके पास यहाँ पे जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन है
तो यहाँ भी दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है वो डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर भी आप ट्रेड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी डिटेल्स आपको वहाँ देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल एक्सचेंज से यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस जो आपने इंडियन एक्सचेंज यूज कर दें उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है कि दोस्तों इस तरह के नोटिस क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग, यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, मतलब दोस्तों उनको पूरा कॉन्फिडेंट है, जहाँ वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ फुल कॉन्फिडेंट है कि ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग लेकर ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए, इसलिए यहाँ पर लिख भी चुकी है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। तो ये पहले जानेंगे दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के इस तरह का नोटिस आपको क्या करना चाहिए आपको कि ये नोटिस आपको नहीं मिले। तो सिंपल यहाँ पर समझते हैं कि हो सकता है कि ये नोटिस मिलने का कारण ये हो कि जितने भी उसने ट्रांजेक्शन लिए हैं उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन को, जैसा कि रिमार्क्स में कुछ लिखने की होती है, तो वो रिमार्क्स उसने क्रिप्टो करेंसी परचेज बिटकॉइन बाय बिटकॉइन या फिर कुछ भी दोस्तों एक्सचेंज का नाम उसने ऐसा लिख दिया हो, जिससे कि कंपनी की जो बैंक अकाउंट की जो API होती है, बैंक अकाउंट का जो सर्वर होता है वो दोस्तों इसे पकड़ लेता है। उनकी जो बैंक अकाउंट की दोस्तों जो सर्वर होती है वो काफ़ी दोस्तों स्ट्रॉन्ग होती है, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा वो कैच करती है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि अगर रिमार्क्स में उसने बिटकॉइन या फिर कुछ भी बाय बिटकॉइन सेल बिटकॉइन ऐसा कुछ लिख दिया हो, जिसके कारण से दोस्तों ये नोटिस यहाँ पर मिलना लाजमी है। याद रहे जब भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें, जब भी दोस्तों किसी P2P अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिससे पहले भी मैंने आपको बताया था, कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो रिमार्क्स सबसे पहले देखिए क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन लिखा हुआ ना हो। अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ हो तो बिल्कुल इंस्टेंट आप उसे रिटर्न कर दें, जिससे कि ये लगे कि आपके पे जो अकाउंट पे पैसे आए हैं वो गलती से आ चुका है। अगर आप उसे रिटर्न नहीं करेंगे, रिमार्क्स में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लिखा होगा और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जो बैंक की एल्गोरिज्म होती है वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर हुए हैं। ऐसे में वो डिटेल्स आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद दोस्तों इस तरह का नोटिस आना आपको शुरू हो जाता है, इस तरह का नोटिस आपको आ सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरह का नोटिस आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, तो अभी आप अपने CA से बात कर सकते हैं, वो जो भी चार्टर्ड अकाउंट है उनसे आप बात कर सकते हैं, वो दोस्तों इसके बारे में टोटल डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है कुछ इनकम का आपको टैक्स देना पड़े, तो इनकम का टैक्स देना भी जरूरी है। अगर आप इनकम कर रहे हैं तो उसकी टैक्स भी देनी जरूरी है, ये दोस्तों हमारे इंडियन होने के नाते एक फर्ज बनता है, तो वो दोस्तों आप इनकम का टैक्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो चुका है तो आप बिल्कुल अभी अपने CA से बात करें और इन सब के जो भी मामले हैं नोटिस आने से पहले इसे सुलझा लें, तो दोस्तों आपके लिए बेटर होगा। अब जानेंगे दोस्तों एक और कारण कि क्या कारण है कि इस तरह के नोटिस आ जाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, जैसे कि वाजीरेक्स, जेपे या फिर जो भी इंडियन एक्सचेंज है, वहाँ दोस्तों अगर आप ज़्यादा लिमिट से, मतलब 5 लाख 10 लाख इस तरह के अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़े डरते हैं, वो किसी भी इंडियन एक्सचेंज में इतने बड़े अमाउंट लगाने से, इतने बड़े अमाउंट रखने से इनको डर लगता हो, तो वो क्या करते हैं कि डेली वहाँ से विड्रॉल या फिर डिपॉजिट, विड्रॉल डिपॉजिट का सिस्टम वहाँ पे करके रखे होंगे, जिस कारण से दोस्तों ये हैवी ट्रांजेक्शन हो जाती है और कहीं ना कहीं ये डिटेल्स जितने भी इंडियन एक्सचेंज है वो डिटेल्स अपने जितने भी इसके बाद डिटेल्स है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है कि जो इंडियन एक्सचेंज हो उसके द्वारा डिटेल्स प्रोवाइड की गई हो, जिसके कारण ये नोटिस वहाँ पर मिली हो। तो अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पर आप किस तरह से बच सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप P2P ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन है, ज़्यादा जो भी है दोस्तों, तो आप इसे P2P ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि दोस्तों जो भी आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो वो वाजीरेक्सी, वो मतलब किसी एक्सचेंज के थ्रू ना हो बल्कि P2P हो, जिससे कि बेटर होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया P2P में आपको सख्त यहाँ पर बता देना है कि रिमार्क्स में क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। मैक्सिमम चांस बनते हैं कि अगर आप P2P ट्रेड करते हैं तो आपको इस तरह का नोटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। P2P के लिए दोस्तों आप जैसा कि मैंने आपको बताया वाजीरेक्स, बाइनेंस और पैक्सफुल, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है, आई बटन पर क्लिक करके उन तीनों वीडियो का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि इसमें टैक्स कितनी लगेगी, तो कुछ दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट देखने को मिले हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि 18% का GST या इनकम टैक्स आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पर अर्निंग कर रहे हो, तो जो आपकी अर्निंग बनती है उसमें 18% तक का GST आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों रिपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिली है, हालांकि एक मीडिया की रिपोर्ट है, कोई दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो हो सकता है तो यहाँ पे हम ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, हमें इस पर ज़्यादा इसमें देखने को नहीं है। लेकिन सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे टैक्सेबल होती है तो मैक्सिमम चांस बनेंगे कि 18% का लगभग आपको GST यहाँ पे देना पड़े।
तो इसके लिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब जो भी बिल आपकी उस पर हमें समझ में आएगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि ये एक मीडिया रिपोर्ट है जो कि मैक्सिमम टाइम गलत ही निकलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं तो आप P2P ज़्यादा ट्रेड करें, P2P बिटकॉइन बायसेल ज़्यादा करें, जिससे कि दोस्तों ज़्यादा आपको इस तरह का नोटिस आपको देखने को ना मिले। तो मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।